오 마이 갓! 아베 안 돼! 얘 메라 뭐해? 팬팅 빼바라기 얘! 뭐? 또 깜빼 안 되나 오나나리? 손에 안 타게 아베! 뭐 손으로 깨워! 님 놈이 또 메라 가로바로 바로 가라 나 말! 아베! छह महीने से खाली पेपर काले कर करके जमा कर रहा, एक भी पेंटिंग बेचा गया अभी तक। अबे तू देख ना, मेरी एक एक पेंटिंग लाखों रुपए की बिकेगी। अबे तेरी पेंटिंग लेना तो दूर, कोई देखता भी नहीं। अबे सही बोल रहा तू, मोहब्बत की दुनिया नहीं है, लोगों को हेड़ा बनाओ और पैसे कमाओ। अब देख दादा, एक ना एक पेंटिंग तो आज बेचूंगा ही मैं। चल हट। ए दादा रुक रुक। अबे दादा मैं पेंटिंग बहुत भारी बनाता, बना दूं क्या? अरे जा रे, रिका में काम मत बता, चल। अरे रुको। अरे क्या दिख रहे हो, क्या लग रहे तू? अरे एकदम वाले राजेश खन्ना है। सुबह करे से दिख रहा, मैं राजेश खन्ना दिख रहा? अरे आलो, राजेश खन्ना को सिर्फ दो दिन पानी में डुबा के रखते थे ना, तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखते थे। ठीक है दिख रहा, हमें आई जो। अरे रुको, सो काम से दिख रहा? अरे मैं बोला मैं तुम्हारी पेंटिंग बना देता, तुमको घर में लगाने को काम आएगी ना। भैया मैंने पेंटिंग ने शौक नहीं थी, मारे पप्पा ने पेंटिंग ने शौक थे। क्या नाम था तुम्हारे पप्पा का? अबे दादा इसके चार पांच बाप तो नहीं है, इतना सोच के बता रहा। अबे चुप ना, का ग्रेट बना रहा तू? मारे पप्पा नाम रुस्तम छे। अच्छा अच्छा, वो रुस्तम जी, अरे उन्होंने तो मेरे पास पेंटिंग बनाने दिए थे। मारे पप्पा तुम्हारे पास पेंटिंग बनाओ छे? ए डिग्रा, ये मैंने बताओ नी दादा, अपनी दुकान पे तो एक भी पेंटिंग झिल्लग नहीं है, अब इसको क्या देना? ये देखो तुम्हारे बाबा की पेंटिंग। ए डिग्रा, ये मैंने आपो ना। ये आपो नी, पहले पे आपो। कितना? 48,000 रुपीस ओनली। पप्पा ने बात देना तो पड़ेगा। माना पप्पा ने चॉइस सू छे पेंटिंग में। बंदर केला खाता हुआ बंदर। नो आई होल्ड माँ। ओह शिट। हाँ पेंटिंग में सू छे केला खाता हुआ बंदर। अरे बाबा अपन इसमें केला किधर है? अरे केला बंदर ने खा लिया ना। अरे तो फिर बंदर किधर है? जब केले बंदर ने खा लिया तो कहा गुड़गुड़ यहाँ पे, वो चढ़ गया यहाँ पे। तो डिग रहा, इसका क्या करूँ मैं? ये पेंटिंग को ले जाके घर पे लगा दो, इसमें वापस के लिए झाड़ू देना, फिर आएगा बंदर के लिए जाने। मारे पापा ने पेंटिंग में बहुत शौक था, कुछ ना कुछ बात होगी इसमें, लगा देता मैं। दादा छह महीने के बाद पैसे देख रहे मेरे पगार। अबे दम मारना, दो तीन बकरे और पकड़ा देना। ओहो, अरे मिथुन चक्रवर्ती साहब ऑटोग्राफ दो ना। नहीं रे। अरे मिथुन को हटाओ और तुमको लगाओ, सेम टू सेम। क्या बात, इसकी जात का बर्दा मारू। ए चाय ला रे। अरे चाय मत मंगाओ, खाली तुम्हारी पेंटिंग बना लो बस। अरे साला अपुन पेंटिंग बना के क्या करेगा? दादा आगे रे, मिथुन आगे इसके आदमी। अबे दादा मिथुन आए या ना आए, ये अपने रिंगण में आ जाए बस। अबे क्या रहा, क्या खुसुर फुसुर कर रहे तुम लोग? अरे कुछ नहीं, इसके पेपर पे तुम्हारा मुसला बनाने के बाद हो रही क्या? अरे साला तुमने अपन को मतन बोल के अपना कलेजा खुश कर दिया। अरे साला अब तुम लोग अपन की पेंटिंग नहीं, अपन का घर पेंट करेगा क्या? अपन तेरा घर पेंट करेगा, पर पहले एडवांस लगेगा कोई साहब। बेटा एडवांस तो दे रहा, अगर मेरे घर का नुकसान हुआ ना तो एक एक चीज का हिसाब लूंगा। क्या मिथुन कहाँ गया? अबे तो पेंटिंग भी तो कैंसिल हुई ना। ठीक है दादा, कल आते हम। ये ले मेरा कार्ड, और बेटा कल आ जाना है। हाँ ना। दादा बड़ा काम मिल गया अपने को। दादा अपने को यही घर पेंट करने का। बेटा काम खत्म होते से ही रोजानदारी लूंगा। अबे दुआ, अभी काम शुरू भी नहीं हुआ, पलौती लगा रहा, चल लेट्स गो। ये पकड़, ये ले, ये सब पुराना सामान बाहर कर। ओके। चल हट। यहाँ पे पीला कलर मार देता है, यहाँ पे लाल मार देता है।
सब पुराना सामान घर के बाहर फेंक दिया ना। हाँ बाबा, सब पुराना सामान बाहर फेंक दिए। दादा, एक पुराना आदमी भी था, इतना बांस मारा था, उसको भी फेंक दिए। दादा, फिर से वही बांस आ रही। अरे बांस नहीं आ रही, आ गया वो। Oh no! सारे बांस मारा दिख रहा मैं तुमको। साला मैंने तुमको मेरे घर में काम दिया, तुमने मेरे को उठा के फेंक दिया। तो मैंने तुमको पुराना सामान फेंकने का बोला था, जिसने अपने को कॉन्ट्रैक्ट दिया तुमने उसको उठा के बाहर फेंक दिए। ओह नो, सॉरी दादा, गलती हो गई मेरे आदमी लोग से। चलो काम पे लगा रहे। ओके, ए फटाफट काम करो आए, और बोल रहे काम मत बढ़ाना। दीवार पर कौन सा कलर मारू? इधर आ रहे। आ क्या बोल रहे दादा? ये फोटो काट दो। ओके, ओए मां कर तू ले। अबे यार, कुछ भी रिकामे चीजें लगा के रखते घर में। दादा, मेरे दादा के फोटो किसने रखा है? ओह शिट। अरे उसके दादा के फोटो थे। अरे सॉरी दादा, गलती हो गई। अबे संभाल के रख ले उन्हें मेरे। तूने बोला ना फेंक दे। ओह नो। अबे बवाल मत कर। अबे सालो, तुमने मेरे दादा की बेइज्जती करे। जहाँ से निकाले ये फोटो वही लगाओ। अरे हाँ दादा, अरे तुम्हारे दादा हमारे दादा है। ये लगा रही। साला यहाँ पे कौन सा कलर मारू? इधर लाल मार देता। अबे छोटू के बच्चे, सुबह से शाम हो गई तू खाली कलर डिसाइड कर रहा। तू एक काम कर, कलर डिसाइड करते बैठ, हम जा रहे खाना खाने। चल रहे, लेट्स गो। दादा कहाँ गए लोग? अबे काम शुरू भी नहीं हुआ और उनको भूख लग गई, गए खाना खाने। अरे चला, ये तक आने के मुक्के दिखते हो। दादा मैं एक काम करता, जब तक कलर बना लेता। वो यार चला, इतना बड़ा घर है, हम दोनों से कलर कैसे होंगे? ये क्या करूं? कहा था तू दिन भर से? चलो मैं अकेला यहाँ परेशान हो रहा, जा देखता हूँ लोग काम कर रहे हैं। दादा, ये धमाके की आवाज कहाँ से आई रे? दादा मैंने एक ही धमाके में पूरा घर कलर कर डाला। अरे सालो बुरी घर को। ओह नो, मेरे पूरे घर का सत्यानाश कर डाला तुमने। सालो आज तो तुमको छोड़ूंगा नहीं, आज तुम नहीं या तो मैं नहीं। अबे छोटू के बच्चे, कभी जिंदगी में इतना बड़ा घर को पेंट करवा गया? लालच में आके इतना बड़ा काम ले लेता। तू भी तो बड़ा खुश हो रहा था ना, दादा बड़ा काम मिल गया, दादा बड़ा काम मिल गया। दादा अपना वही धंधा सही है, एड़ा बना और पैसे कमा। हाँ यार सही बोल रहा तू, कहाँ बकरा? दादा बकरा नहीं, बकरी आ रही। ए नाली, आ है क्या है रे? नाली क्या खूबसूरत दिख रही हो तू? हाय दया, जवानी में सनी लियोन थी क्या तू? अरे जवानी में मैं सनी लियोन से भी खूबसूरत थी, पर मेरी सास ने मेरे को इतना जलाई कि जल जल के मैं सनी लियोन से ललिता पवार बन गई। नानी तेरे जवानी के फोटो तो होंगे ना? हाँ थे ना बेटा, अरे जवानी में मैंने चार पांच एकदम हैंडसम पोरों के साथ फोटो निकाली थी, पर मेरे मर्द को देखे नहीं गया, जला दिया बेचारे ने। अब नानी बहुत दुख भरी है तेरी काली, पर तू टेंशन मत ले, मैं बना देता ना तेरा फोटो। अरे नहीं रे बेटा, अब क्या करूँगी ये उम्र में मैं फोटो गिटू बना के। ओ नानी ऐसा फोटो बनाऊंगा ना तेरा, ये उम्र में भी सनी लियोन लगेगी। अरे सनी लियोन तो क्या, अगर तूने मेरे को आलिया भट्ट भी बना दिया ना, तो भी मेरे को नहीं बनाने का तेरे से फोटो। अरे बना लेना नानी। देख नहीं कह रही ना, देखू मैं अपन बना रही तू नहीं, बना लेना। चल अब इतना कह रहा ना तो बना ले, मिटा ले तेरी अंगार। अरे हुआ क्या नहीं रे तेरा, जल्दी करना। अरे सांस रोक के बैठी ना मैं, मार डालता क्या मेरे को? अरे नानी सिर्फ दो मिनट, दो मिनट। हाँ कर।
बच्चा का बनाया रे फोटो, बस खाली नाक थोड़ी सी चपटी कर दिया तूने। ऐसे क्या? ठीक है फिर भी, चल चलती मैं। अरे नारियल, अरे पैसे दे दिए। आय हाय तेरा सत्यानाश हो जाए, अच्छी भली जा रही थी मैं मेरे रास्ते से, हाँ जबरदस्ती मेरे को बुला के बिठा दिया। ओह नो, उठा तेरा फोटो। हाँ अरे नारियल, पैसे तो तुझको देना पड़ेगा, बहुत मेहनत करा मैंने। अरे नहीं ले रही, बोली ना मैंने। हाँ और वैसे भी क्या करूँगी मैं फोटो ले जाके। ओ लाली, जब तू मरेगी ना तो हाथ चढ़ाने को काम में आएगा ये फोटो। तेरा सत्यानाश हो जाए, तेरा नाटे नहीं तो रे को मार रहा कर रहा तू। ओए नाली, पैसे तो वसूल करके रहूंगा तेरे से मैं। आहा, पैसे तो वसूल करके रहूंगा मैं, दम है तो वसूल के बता। आए भरी जवानी में मार डाल रहे क्या मेरे को? अरे तेरी चार पीढ़ियों को मार के मारूंगी मैं। हाँ अंका का पेंटर बाबू बन रहा तू। हाँ उठा ले तेरा तमाशा जनाजा, नहीं तो उठा ले भंडार की दुकान। हाँ तेरा सत्यानाश हो जाए जनाजे, अंका दी हिला ना तेरी मुंडी छाट डालूंगी मैं। हाँ चले इसकी फोटो बना जल्दी से। ओह नो, हाँ बना बना जल्दी जनाजे बना। अबे दादा बन गया गिरे। हाँ बाबा बन गया। ए नाली फोटो बन गया, ये तो हटा ले अब। ला बता रहे जरा। हाँ अच्छा मजे का बनाया रे, चल चलती मैं। ओ नाली पर तू मेरा फोटो क्यों लेके जा रही? हाँ मैं तेरा फोटो इससे लेके जा रही कि जब तू मरेगा ना तो तेरे फोटो पे मैं आग चलाऊंगी। हाय दोस्तों, अगर आपको छोटू दादा पेंटर बाबू अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारा चैनल छोटू की मस्ती को अरे बोलो ना रे सब्सक्राइब कीजिए। ओके तो दोस्तों इंतजार किस बात का, आप लोग भी स्काई 247 ऐप डाउनलोड करो, इस पे गेम देखो, गेम खेलो और पैसे कमाओ। और हाँ दोस्तों इंस्टाग्राम की साइट से स्काई 247 ऐप जरूर डाउनलोड करो। बाय।